सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राजधानी भोपाल वो पहुंचे, कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। उन्होंने दिया है और मैं पत्रकार मित्रों ने भी, क्योंकि हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, कल से मैं बार बार लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आए और चले जाएं, क्योंकि यहां ज्यादा देर बैठना नहीं है, भीड़ इकट्ठी होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। लेकिन आपने स्वास्थ्य आग्रह को जन जन तक पहुंचाया और जन चेतना जागृत की, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। देश में, दुनिया में और मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 4000 पॉजिटिव केस आए हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है। मैं प्रारंभ से ये प्रयास करता रहा हूं कि लॉकडाउन अंतिम उपाय है, इसके पहले के सारे उपाय हमको आजमाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जहां जहां ये आवश्यक हो जाएगा संक्रमण रोकने के लिए, वहां लॉकडाउन के विकल्प पर भी परिस्थितियां देख के जाने का फैसला किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 4T की बात कही, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण। उसमें मैं एक टी और जोड़ रहा हूं और वो है टेंडेंसी। हमारी प्रवृत्तियां, मेरा आज भी विश्वास है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लें, मतलब मास्क लगाए बिना ना निकलें, परिवार को ना निकलने दें, सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करें, अगर पात्रता है तो वैक्सीनेशन करवा लें, तो मेरा विश्वास है कि हम इससे बच सकते हैं। इसलिए मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, यह अभियान हमने प्रारंभ किया। मैं तो अब एमपी का मतलब बताता हूं, एमपी हमारा मध्य प्रदेश, लेकिन अब एमपी का अर्थ है मास्क पहनो। इस समय यह प्रासंगिक होगा कि मास्क पहनो, मास्क यानी मेरा सुरक्षा कवच। इसलिए मास्क पहनना जन आंदोलन बने, उसके लिए सड़कों पर भी मैं उतरा, हमारे साथी उतरे, जनता को प्रेरित करने के भरपूर प्रयास किए। और ये जो स्वास्थ्य आग्रह है, ये कार्यक्रम भी किया। कल मैंने बताया था कि दांडी मार्च, दांडी यात्रा कल समाप्त हुई थी, तब हमने स्वास्थ्य आग्रह प्रारंभ किया। हमने एक और उपाय किया है कि अकेला प्रशासन नहीं, समाज लड़े प्रशासन के साथ मिलकर इस बीमारी से। इसलिए हमने वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए आह्वान किया था। मुझे बताते हुए खुशी, अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों ने वॉलंटियर के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाया है। ये संख्या और बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। ये वैक्सीनेशन स्वयं, ये चार इनकी श्रेणियां हैं, एक वैक्सीनेशन स्वयं सेवक, ये वैक्सीनेशन के काम में सहयोग करेंगे, एक चिकित्सा सुविधा स्वयं सेवक, ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देंगे, परिवहन में सहयोग करेंगे,
मास्क जागरूकता स्वयंसेवक, ये मास्क वितरण, मास्क के लिए रोको टोको अभियान में लगेंगे, मोहल्ला टोली संगठन स्वयंसेवक, ये होम क्वारंटाइन में मददगार होंगे, संस्थागत क्वारंटाइन में मदद करेंगे, अपनी गली अपने मोहल्ले की जवाबदारी भी लेंगे। मित्रों, जन अभियान परिषद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर्स इन वॉलंटियर्स को जिले में एक टीम के रूप में संगठित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम जनता के सहयोग के लिए इनको मैदान में उतारेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना की लड़ाई में इन वॉलंटियर्स का जो सहयोग मिलेगा वो बहुत उपयोगी होगा। कल से मैं समाज के अलग अलग वर्गों से लगातार बात कर रहा हूँ, सब ने इस बात का समर्थन किया है कि मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। कुछ ने तो कल सुझाव में ये कहा कि मास्क नहीं तो साथ नहीं। ये मास्क का अभियान लगातार गति पकड़ता जा रहा है और मेरा विश्वास है कि जनता जब इसे अपना लेगी तो यह अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल होगा। कल मैंने मध्य प्रदेश के 52 जिलों से ही चर्चा की, अलग अलग धर्मगुरु पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आज बैठे थे, उनसे भी चर्चा हुई और जनता की तरफ से कई सुझाव आए। ये सुझाव जो अलग अलग आए हैं मैं संक्षेप में उनके बारे में बता के फिर उन पर जो निर्णय हम कर रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। उनमें से एक आपके लिए, लोगों ने कहा कि टीवी, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में कोरोना से बचाव हेतु सकारात्मक खबरें भी प्रसारित होनी चाहिए ताकि नकारात्मकता नहीं, कोरोना से लड़ाई में सकारात्मकता भी बढ़े। कोरोना संक्रमण से जूझने वाले योद्धाओं की कहानियों को प्रसारित किया जाना चाहिए, कोरोना स्वयंसेवकों को ऑटो जनरेटेड परिचय पत्र देना चाहिए, जनता को जागरूक किया जाना चाहिए, ग्रामीण अंचलों में मोबाइल वैन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाना चाहिए, मास्क नहीं तो सामान नहीं का स्लोगन दुकानों पर लगाया जाना चाहिए, साप्ताहिक हाट बाजार को भी अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करना चाहिए, हर एक जिले में कोविड मित्र डेस्क की स्थापना होनी चाहिए, निजी चिकित्सालयों में कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, अलग अलग तरह से लोगों को यमराज चित्रगुप्त जैसे पौराणिक जो चरित्र है उनके माध्यम से भी समझाने की कोशिश होनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव लेकिन जिनमें सिम्टम नहीं है या बहुत कम सिम्टम लक्षण है उनके घर पर उपचार का प्रोटोकॉल जारी किया जाना चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए रेट लिस्टें लगनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में भी कोरोना के संक्रमण को रोकने की जागरूकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अनेकों सुझाव लोगों ने दिए हैं, मैं सब सुझाव को आपके सामने नहीं रख रहा लेकिन उन सुझाव के आधार पर आज कुछ फैसले हम लोग कर रहे हैं। एक तो कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बिस्तर की कमी ना हो पाए ये एक बड़ी चुनौती है। अभी मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट मिला के 24,000 बिस्तरों की व्यवस्था है, कल तक 11,500 मरीज अस्पताल में भर्ती थे।
यह संख्या रोज बढ़ेगी, इसलिए 24,000 बिस्तरों से बढ़ा के ये संख्या 36,000 बिस्तरों की जाएगी। और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ हम निजी चिकित्सालयों का भी सहयोग ले रहे हैं। हर वो निजी चिकित्सालय जो कोविड का उपचार कर सकता है वो कुछ बेड आरक्षित करें कोविड की बीमारी के लिए, ये उनको निर्देश और आग्रह दोनों किए जा रहे हैं। निःशुल्क इलाज के लिए भी कम से कम 15,000 बिस्तर उपलब्ध रहे, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ प्राइवेट अस्पतालों में, जैसे भोपाल में LNCT, दूसरा है पीपुल्स अस्पताल, अब इनमें हम बिस्तर LNCT को तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में ही हम बनाएंगे, और पीपुल्स में भी बाकी बिस्तर सरकार बुक करेगी ताकि निःशुल्क इलाज